हाय मॉमीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अ मदर ऑफ टू। मेरा एक 6 साल का बेटा है और एक ऑलमोस्ट 2 साल की बेटी है। मॉम बनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पीरियड्स एक्सपीरियंस अब टोटली चेंज हो चुका है। अब मेरे पास लग्जरी नहीं है ये बोलने का कि मैं सारा दिन बेड में रहना चाहती हूँ या मैं रेस्ट ज़्यादा करना चाहती हूँ, मैं ये खाना चाहती हूँ, मैं वो पीना चाहती हूँ। आई कॉन्ट डू दैट एनी मोर। माई किड्स कीप मी एक्टिव, इनफैक्ट ऑन माई टोज, इवन ऑन पीरियड डेज, बिकॉज फॉर देम एवरी डे इज द सेम। सो आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स दैट हेल्प मी स्टे एक्टिव एंड कंफर्टेबल इवन ड्यूरिंग माई पीरियड डेज। हम कुछ होम रेमिडीज की बात करेंगे और पीरियड पैंटीज की बात करेंगे, विच इज अ ग्रेट मॉम हैक दैट आई विल शेयर विद यू। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट टिप, ड्यूरिंग द 3 to 4 days ऑफ माई पीरियड्स मैं हॉट लिक्विड्स पे शिफ्ट हो जाती हूँ। सो टिपिकली आई एम अ कोल्ड लिक्विड पर्सन। मेरा दिन शुरू होता है कोल्ड कॉफी के साथ, देन आई टेक जूसेस, नींबू पानी, सब ठंडी ठंडी चीजें लेना मुझे अच्छा लगता है। मैं ज्यादा हॉट लिक्विड्स प्रेफर नहीं करती हूँ, बट इंटेंशनली ड्यूरिंग द 3 to 4 days ऑफ माई पीरियड मैं हॉट लिक्विड्स लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे काफी सूद करते हैं, काम करते हैं और मेरे एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करते हैं। सेकेंड टिप, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जब हमारे पीरियड्स आते हैं हम काफी लेट बैक हो जाते हैं, हम पानी की तरफ देखना भी नहीं चाहते, बट इस टाइम पे अगर आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो वो एक्चुअल में आपको हेल्प करती है, आपके ब्लड फ्लो को नॉर्मल रखती है और साथ ही जो भी लॉस ब्लड है उसको मेकअप भी करती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 3 to 4 liters ऑफ वाटर, स्पेशली ड्यूरिंग योर पीरियड डेज। आप टेम्परेचर कुछ भी रखिए, वट एवर यू आर कंफर्टेबल इन, बट हाइड्रेशन विल कंप्लीटली चेंज हाउ यू फील ड्यूरिंग योर पीरियड्स। थर्ड टिप, अपने स्टॉक में पीरियड पैंटीज को जरूर इंक्लूड कीजिए। मैं जो रिकमेंड करूंगी वो है एवर ईव अल्ट्रा अब्सॉर्बेंट पीरियड पैंटीज, जो साइज स्मॉल से लेके साइज XL में अवेलेबल है और बहुत इजीली आपको Amazon पे मिल जाएगी। आप खुद जाके इसके रिव्यूज पढ़िए, दे आर जस्ट आउटस्टैंडिंग। नाउ मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको पीरियड पैंटीज इंक्लूड करना चाहिए। सी, नंबर वन, आई फील पीरियड पैंटीज इज अ वेरी सेफ ऑप्शन। गायनेकोलॉजिस्ट भी ये रिकमेंड करते हैं दैट इट इज एब्सोल्युटली सेफ। व्हाई? बिकॉज आपको इसको सिर्फ एक पैंटी की तरह पहनना होता है, आपको इसके अंदर कोई सैनिटरी पैड नहीं लगाना, आपको इसके ऊपर से कोई कॉटन की पैंटी पहनने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक पैंटी कम सैनिटरी पैड का कॉम्बिनेशन है और उन दिनों के लिए परफेक्ट है जब आपको हैवी फ्लो हो रहा है, स्पेशली इन सिचुएशंस जहाँ मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप वेकेशन पे गए हुए हैं या आप अपने बच्चे को बर्थडे पार्टी में लेके गए हुए हैं जहाँ पे आपको भी काफी एक्टिविटीज करनी है, या आप किसी ऐसी जगह गए हुए हैं जहाँ आपके पास ऑप्शन नहीं है जल्दी जल्दी पैड्स को चेंज करने का। और इन सब सिचुएशंस में ना आपको काफी डर लगता है कि कहीं लीकेज ना हो जाए, कहीं स्पॉटिंग ना हो जाए, एंड यू फील वेरी अनकम्फर्टेबल। That's when these period panties come really handy और आपको ऐसे लगेगा that they work like magic। सबसे पहले इनके ergonomic design की वजह से they are very comfortable, तो आपको कोई problem feel नहीं होगा while wearing them। Plus इसमें cotton like softness है and 360 degree protection है, तो कहीं से भी लीकेज का चांस ही नहीं है जिसकी वजह से स्पॉटिंग हो या आपको कोई एम्बेरसमेंट हो। साथ ही मैक्स अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी की वजह से आपको बहुत जल्दी जल्दी इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसे लंबे आवर्स तक पहन के रख सकते हैं एंड वंस यू हैव टू चेंज आप इसे इजिली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू रीयूज इट। इनफैक्ट मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगी कि पोस्टपार्टम पीरियड में जहां बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है मॉम्स को, यू कैन इजिली वेयर समथिंग लाइक दिस, जिससे क्या होगा कि आपको बारी बारी चेंज नहीं करना पड़ेगा या बारी बारी आपकी बेडशीट पे स्पॉटिंग नहीं होगी। यू कैन आराम से टेक योर रेस्ट, यू कैन आराम से फोकस ऑन फीडिंग योर बेबी एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर बेबी रादर देन वरिंग अबाउट दैट आई नीड टू चेंज माई पैड और देर कैन बी स्पॉटिंग ऑल अराउंड, विच इज अ बिग वरी फॉर ऑल ऑफ अस। एवर ईव अल्ट्रा अब्सॉर्बेंट पीरियड पैंटीज का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके इसे खुद चेकआउट कीजिए, देखिए लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, दूसरे कस्टमर्स क्या फील कर रहे हैं, एंड देन यू विल नो दैट दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट एवरीबडी इज यूजिंग एंड मे बी यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट। फोर्थ टिप, अपने पीरियड के डेज में हर्बल टी पे स्विच कीजिए। ब्लैक कॉफी अवॉइड कीजिए, मिल्क टी अवॉइड कीजिए एंड सी हाउ इट सूथ्स यू। इनफैक्ट काफी लोगों को जो पेन या ब्लोटिंग फील होता है उसमें भी ये बहुत सूद करता है। सिंपल जैसे आप ग्रीन टी ले सकते हैं, पेपरमेंट टी ले सकते हैं, कैमोमाइल टी ले सकते हैं, ये सारी टीज जो है आपको काफी सूद करेंगी। एंड गाइस, द फिफ्थ टिप इज दैट ऑब्वियसली पीरियड्स एक ऐसा प्रोसेस है जहां पेन होती है, ब्लोटिंग होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, एंड विथ किड्स यू हैव बीन एक्टिव थ्रू द डे, आपने अपने एनर्जी लेवल्स को हाई रखा है, तो जब बच्चे सो जाएं तो रात को अपने आप को थोड़ा आराम दीजिए
एक हॉट पैड लीजिए और उसे अपनी बैक पे या फिर लोअर अब्डोमिन में जहाँ आपको पेन हो रहा है वहाँ पे उसे रखिए थोड़ी देर के लिए। उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी पूरे दिन की पेन भी रिलीफ हो जाएगी। अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए ऊपर करके रखिए जिससे जो लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है उससे काफ़ी अच्छा कम्फर्ट मिलेगा। द ब्लड विल फ्लो बैक एंड दैट ऑल्सो विल रियली रियली काम यू डाउन। सो गाइज, ये थे मेरे कुछ टिप्स जो मैं यूज करती हूँ टू स्टे एक्टिव एंड टू स्टे कंफर्टेबल ड्यूरिंग माई पीरियड्स। मैं नॉर्मल डेज के लिए अगर मैं घर पे हूँ और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ तो सैनिटरी पैड्स यूज करती हूँ, बट ऑन ओकेजन्स वेर आई फील दैट स्पॉटिंग हो सकती है, लीकेज हो सकती है या फिर आई नीड 100% प्रोटेक्शन, कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं ले सकती मैं, दोज आर द डेज जहां मैं ये पीरियड पैंटीज यूज करती हूँ, विच इज द एवर ईव अल्ट्रा अब्सॉर्बेंट पीरियड पैंटीज। चेक देम आउट।